गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.5। हमारे पास 3.5 में सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें अगेन राइट जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया वही करेंगे। हमारे पास A1 की जो वैल्यू रहती है वो 2 और B1 की वैल्यू रहती है 3। अब जो C1 राइट करना है तो कर सकते हैं। 7 को परली साइड लेके गए तो माइनस का हुआ, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, C1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7। आई कहां से, वो हम बार बार राइट करते हैं इसलिए इस बार नहीं किया कि माइनस 7 इक्वल्स टू, तो ये माइनस का 7 बना। वैसे ही नीचे वाला A2 की वैल्यू आ गई A-B, B2 की वैल्यू आ गई A+B और C2 की वैल्यू, ये सारा परली साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा A3A+B-2। ये सारे के सारे वैल्यूज आ गए, हम सारे के सारे अपॉन में लिखेंगे A1 upon A2, B1 upon B2 एंड C1 upon C2। हमने ये राइट कर लिया। इसको राइट करने के बाद हम सारे के सारे जो वैल्यूज लिखे वो इस वाले टर्म में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया A1 की वैल्यू है हमारे पास 2 बाय A2 की वैल्यू A-B इक्वल्स टू B1 की वैल्यू है 3 अपॉन और B2 की वैल्यू है A+B और हमारे पास जो C1 रहा वो -7 और उसी के नीचे आ गया -3A +B -2। तो माइनस से माइनस कट हो गया। अब हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास आ गया हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 upon A-B इक्वल्स टू, हमने जो फर्स्ट था वो लिख लिया A1 upon A2, वो बराबर करना है C1 upon C2 को, 7 upon 3A+B-2। अब इससे इधर मल्टीप्लाई, इससे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 multiply 3A+B-2 एंड 7 multiply A-2, तो आ गया 6A+2B-4 एंड 7A-7B। अब हम ये वाले सारे के सारे टर्म दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6A+2B-4 माइनस का 7 ही आएगा और प्लस का 7B। तो 7 को 6 से सब्सट्रैक्ट किया, माइनस का A और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, 9B-4 इक्वल्स टू 0। हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया सॉल्व करने में। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमने फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर किया था, तो सेकंड और लास्ट वाले का B1 upon B2 एंड C1 upon C2 को करें। तो हम लिखेंगे अब 3 upon A+B इक्वल्स टू 11, लिखेंगे 7 upon 3A+B- का क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 3 9, 3B-6 और 7A+7B। तो आ गया 9A+3B-6 -7A-7B। तो इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया, 2A B था यहां भी B, तो इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया तो आ गया
4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमारे पास अब नेक्स्ट आ जाएगा, जब हमने सॉल्व किया इसको तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। निकालना हो तो 2 बाहर रखा, ये रेस इसमें से 2 बाहर निकाला, तो 2a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रहता है इसमें, वो अब रहेगा इसके बाद, हमने ये राइट कर लिया। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में है। तो मैं जब 1 और 2, ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 था, मुझे सॉल्व करना है ए से बी की वैल्यू। मैंने 1 को सॉल्व किया यूजिंग 1। अगर मैं ए साइड लेके जाऊं और सारा के सारा परली साइड, तो माइनस ए 9b प्लस 4 आ गया। जैसे ही माइनस का ए है तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी ये प्लस में ये माइनस। तो हम इसको ए इक्वल्स टू 9b माइनस 4 आ गया। तो हम ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, इस वाले में पुट की तो आ गया 9b माइनस 4 माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया 7b 7 0 b इक्वल्स टू 1। अगर b की वैल्यू 1 आती है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एज इट इज सेम रहता है इसी क्वेश्चन की तरह, वो राइट करेंगे। ये क्वेश्चन है 3x प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। दो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर निकालना है, ये तुम्हारा होमवर्क रहता है। थैंक यू।